वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तरन्नुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सलजम गोश्त, जो हम डेली यूज में बनाते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल इसका इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने 1 किलो सलजम ले लिए हैं, उन्हें हमने अच्छे से वॉश करके ऐसे काट लिया। हमने पत्ते भी लिए हैं और ये सलजम भी लिए हैं, इस तरीके से हमने काटे हैं और इसे अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया। और ये हमने 1/2 किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये हमने 2 बड़े प्याज ले लिए थे, उसे हमने रफली चॉप कर लिया है। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर है और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सलजम गोश्त बनाने के लिए हमने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है। इसमें हमने 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल में अच्छा बनता है। तो अब हम तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये 1/2 प्याज डाल देंगे, 1/2 बाद में डालेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें ये 2 तेज पत्ते डाल देंगे और कोई खड़े मसाले इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम सलजम इसमें डाल रहे हैं, उसके पत्ते डाल रहे हैं, तो खड़े मसाले डालने का कोई मतलब नहीं है। ये हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, बस 2 तेज पत्ते डालेंगे और प्याज, क्योंकि जो भी साग वाला गोश्त हम बनाते हैं उसमें कोई खड़े मसाले डालने का मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है। ये हमने हल्दी को पानी में घोल लिया है, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ये डाल देंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन दूर हो जाए। अब 2 मिनट हमने हल्दी डाल के इसे भून लिया है, अब हम ये इसमें गोश्त डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब ये हमने जो 1/2 प्याज बचाया था वो डाल देंगे, क्योंकि साथ में ये भी गल जाए। और सॉल्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। और अदरक लहसुन और हल्दी प्याज का जब तक कच्चापन ना दूर हो जाए, या सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए और इसमें मिल जाए, तब तक भूनेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए, अदरक लहसुन और हल्दी डाल के हमने इसे अच्छे से 5 मिनट भून लिया है। देखिए, ये अच्छे से भून गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसका गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम ये इसमें हमने मिर्ची पाउडर को पानी में घोल लिया था, ये डाल देंगे। और ये धनिया पाउडर को भी हमने पानी में घोल लिया था, ये डाल देंगे। अब इन दोनों पाउडर मसालों को डाल के हम इसे फिर से अच्छे से भूनेंगे ताकि इनकी भी कच्ची स्मेल चली जाए। तो देखिए, सारे मसाले डाल के हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल के भी इसे हमने 5 मिनट तक भून लिया है। देखिए, ये अच्छे से भून चुका है और इसका तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें सलजम डाल देंगे, अभी हम साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गोश्त भी और सलजम भी साथ में गल जाएंगे। ये हम सारा डाल देंगे, जैसे जैसे हम ये डालते जाएंगे ये नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि ये पत्ते हैं सलजम के, ये देखने में बहुत लग रहे हैं, लेकिन अभी ये जैसे जैसे इसमें भाप लगेगी, नीचे आंच लगेगी, ये बैठ जाएंगे नीचे। इसका ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए, जितना हम डालते जा रहे हैं उतना ही ये नीचे बैठते जा रहे हैं, मुझते जा रहे हैं सलजम। देखिए, सभी सलजमों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें कम से कम 5 विसिल आने देंगे, तो 5 विसिल में गोश्त भी गल जाएगा और सलजम भी गल जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। अब इसे एक बार चलाते हैं, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था गोश्त में, ये सलजम ने कितना पानी छोड़ा है। अब हम एक बार फिर से गैस जला के इसका सारा पानी ड्राई करेंगे।
ये सारा पानी ड्राई करेंगे, बिल्कुल सुखा लेंगे। तो देखिए गैस हमने ऑन कर दी है, हम इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है और ये शलजम भी अच्छे से गल गए हैं। और जब तक हम इसका सारा पानी ड्राई करेंगे तो ये सारा जो शलजम है और इसके पत्ते हैं ये भी इसमें घुट जाएंगे। हम अच्छे से घोट लेंगे, इतने खड़े खड़े नहीं रखेंगे। ये शलजम गोश्त बनाना बहुत ही ईजी है और ये मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ। आजकल सर्दियों का सीज़न है, मार्केट में ये खूब हरी हरी सब्जियाँ आई हैं। ये साग वगैरह जो होते हैं जैसे मूली गोश्त और शलजम गोश्त और सरसों का साग गोश्त, ये सारे गोश्त बहुत अच्छे लगते हैं खाने में मज़े के। और ये मक्का की रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरी और साग की रेसिपी अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, तो वो मैं आपको वो रेसिपी सिखाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए शलजम गोश्त ने जितना पानी छोड़ा था सारा हमने ड्राई कर लिया है और ये हाई फ्लेम पर, और जिस तरीके का इसका हमें टेक्सचर चाहिए अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है। है हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और साग भी शलजम भी बोटियों से लिपट गए हैं। इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसका फाइनल लुक आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है मज़ेदार शलजम गोश्त का सालन। इसे आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे आप चपाती के साथ, मक्का की रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। और हमारे चैनल को पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।